पूरा मामला ललितपुर जनपद से जुड़ा हुआ, जहां पर महज 2 महीने के अंदर ही रेलवे स्टेशन से बनी दूसरी सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। जगह जगह सड़क में गड्ढे हो गए हैं। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि यह महज 2 ही महीने पहले सड़क बनी हुई थी, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के चलते गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग सड़क में नहीं किया गया, जिससे एक ही बार में सड़क को पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो गई। रेलवे प्रशासन द्वारा ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर एक प्रश्न चिन्ह यह खड़ा होता है कि आखिर किस तरीके से सड़क बनाई गई है। कहाँ के निवासी हैं सर? मैं ललितपुर चंडी माता मंदिर के पास रहता हूँ। मेरा नाम कमल श्रीवास्तव है। अच्छा श्रीवास्तव जी, ये बताइए ये रोड डले कितना समय हो गया है? ये जहाँ तक मुझे याद है, मैं तो 5-6 साल से रोज सुबह और शाम को यहीं टहलने आता हूँ। ये 3.5 महीना मैक्सिमम 3-3.5 महीने के समथिंग हुआ है, और लाखों करोड़ों रुपया लगा के इतना बड़ा स्टेशन तैयार कर दिया, और 3-3.5 महीने में शंकर जी के मंदिर से लेके क्रॉसिंग तक कम से कम 20 गड्ढे हो गए अभी 3 महीने में। हाँ, पहली बरसात में ही पूरे रोड की ऐसी तैसी हो गई। आप ये समझिए अभी कम से कम 2 महीने की और बरसात है। तो कौन इसका ठेकेदार है, किसने ठेका लिया है, उस पर क्या कार्रवाई कर रही है रेलवे प्रशासन? और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ एक और आपके लिए एक संज्ञान में डालना चाहता हूँ, जब अरबों रुपये का इतना बड़ा आपने स्टेशन तैयार करवा दिया, 4th लाइन बन रही है, सारा स्टेशन पुल मुल सब तैयार कर दिया, स्टेशन के बाहर एक भी शौचालय एक भी मूत्रालय नहीं है। अच्छा, ये भी एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। 2000 से 1000 लोग रात को स्टेशन पे सोते हैं, कोई यहाँ शौच करता है, कोई वहाँ बाथरूम करता है, ये किसकी जिम्मेदारी है? तो ये मान के चलें कि ये भारत स्वच्छ प्रधानमंत्री के भारत स्वच्छता मिशन के लिए एक पलीता बताया जा रहा है। हाँ, पलीता बताया जा रहा है, रेलवे वाले धोखा दे रहे हैं उनको। ललितपुर रेलवे प्रशासन की, ललितपुर रेलवे प्रशासन या झांसी DRM की तरह जिनकी तरफ से काम चल रहा है, ये धोखा दे रहे हैं।